ओके चिल्ड्रन, क्लास 1, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टॉपिक इज नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। Now, what are naming words? नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज का नाम उसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। दैट मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन एनिमल प्लेस और अ थिंग, दीज आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, राइट। यानी कि किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, इस सब को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि व्हाट डिड यू हैड इन द ब्रेकफास्ट, एंड समबडी सेड आई हैड बनाना एंड मिल्क, देन अदर चाइल्ड सेड मैम आई हैड सैंडविचेस, एक बच्चे ने बोला कि मैंने नूडल्स खाई थी, ठीक है, और ऐसे ही सबने अलग अलग चीजों के नाम बताए। तो ये जो नाम है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, ओके। और इन नेमिंग वर्ड्स के लिए एक बड़ा अच्छा सा नाम है, हम नेमिंग वर्ड्स ना कह करके इनको हम नाउन्स भी कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं क्या, नाउन्स, ओके। तो आप जैसे कि ये याद रखना कि नेमिंग वर्ड्स को हम बोलते हैं नाउन्स। आज आप दिन भर में अपने घर में ऑब्जर्व करेंगे, फाइंड आउट वेरियस थिंग्स इन योर हाउस, थिंग्स फूड आइटम्स दैट यू ईट टुडे, देन नेम ऑफ पीपल इन योर हाउस, योर फैमिली मेंबर्स, आपकी मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, आपका नाम, इवन आपके टॉयज, आप बोलते टैडीज, ठीक है ना, आपके पेट्स, इनके नाम, आपके घर की चीजें, ये सब क्या हैं, ये सब हैं नेमिंग वर्ड्स, ओके। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स तो आपने अभी कर ली जब आपने मुझे बताया कि आप लोगों ने सुबह क्या क्या खाया, और उसके बाद मैंने एक एक बच्चे का नाम लेके बुलाया, तो ये क्या थे, नेमिंग वर्ड्स। सपोज I am writing name of place. Name of place. आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ पर है? अर्थ पे। सन मून स्टार्स कहाँ होते हैं? स्काई में।
सन मून स्टार्स भी तो नाम है ठीक है, पर होते कहाँ है स्काई में, प्लेस क्या है स्काई. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेम ऑफ प्लेस ना नेम ऑफ अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ अ थिंग, अभी हमने प्लेस किया, अब हम थिंग करेंगे. हाउ डू यू राइट, यू राइट यूजिंग अ पेंसिल. हाउ डू यू इरेज, यू इरेज यूजिंग एन इरेजर. वेयर डू यू राइट, यू राइट इन द नोटबुक. फ्रॉम वेयर डू यू रीड फ्रॉम योर बुक एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये थिंग्स हैं ठीक है. अभी हम जल्दी से एग्जाम्पल करेंगे नेम, किसी भी चीज का नाम. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला नाम इंडिया, इंडिया नाम भी तो हो गया. आपका स्कूल, RDJP स्कूल, यानी कि रुक्मणी देवी जयपुरिया पब्लिक स्कूल. तो ये भी नाम हो गया. आपका अपना खुद का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, ये सब नेम्स में आ जाते हैं. नेम प्लेस एनिमल थिंग, किसी भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं हम. तो वो सब भी क्या होगा, वो सब भी नाम में आ जाएगा. फिर से रिवाइज करेंगे नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग. So these are the naming words.